सवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चक्रवाती तूफान अम्फान का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल उड़ीसा में अम्फान का अलर्ट जारी किया गया। पश्चिम बंगाल के दीघा में टकराएगा तूफान। बांग्लादेश की हटिया द्वीप से टकराएगा तूफान। दीघा तट से 125 किलोमीटर दूर है तूफान। उड़ीसा के कई इलाकों में तेज हवा बारिश लगातार जारी है, तो तटीय इलाकों से लोगों को हटाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। उड़ीसा के तटीय इलाकों से 119,075 लोग हटाए गए हैं। तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें कि यहां पर तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं तटीय इलाकों से लोगों को हटा दिया गया है। उड़ीसा के कई इलाकों में तेज हवा और बारिश भी लगातार सुबह से हो रही है। दीघा तट से 125 किलोमीटर दूर है तूफान और कभी भी तट से टकरा सकता है। उड़ीसा के कई इलाकों में तेज हवा और बारिश हो रही है, तो तटीय इलाकों से लोगों को हटाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं उड़ीसा के तटीय इलाकों से 119,075 लोगों को अब तक हटाया गया है। तो बंगाल की खाड़ी में अम्फान तूफान उठा है, 100 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से तट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 21 साल बाद फिर तूफान से तबाही का खतरा बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में उठे हुए अम्फान तूफान तेजी से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तट की ओर बढ़ रहा है। अभी से तेज अंधड़ के साथ बारिश हो रही है। करीब 100 किलोमीटर दूर तूफान के केंद्र के करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। तो ये तीन तस्वीरें अम्फान का तूफान, 100 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान तट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर समुद्र में तबाही का मंजर देखने को मिला। तो आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में ये तूफान उठा है, 100 से लेकर के 200 किलोमीटर की रफ्तार से तट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 21 साल बाद तबाही का खतरा बना हुआ है। अम्फान एक तेज गति से तट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें सुबह से ही यहां पर तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और एक बड़ी संख्या में यहां पर से लोगों को हटाया गया है और सभी को हिदायत दी गई है कि सभी लोग अपने घर पर ही रहें, तट पर बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये तीन तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें सुबह से ही बारिश और हवाओं का सिलसिला लगातार जारी है और आपको बता दें कि 100 किलोमीटर दूर है ये तट। और अब खबर अलीगढ़।